सारे सोल्ड हैं और सारे डेवलप है। जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप भोलू कैटल, उसी के बराबर में राणा कैटल, उसी के बराबर में सुफियान कैटल। ये छोटे मोटे कैटल नहीं है, ये बड़े बड़े कैटल है मेरे भाई। और भाई ये आप लोग देख लें कि भाई फहीम भाई ने भाई सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि भाई जो लोग अपना कैटल फार्म खोलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम दुआ ग्रीन पे रेंट पे फार्म लें, तो भाई ये देखें ये 3000 गज के ऊपर जगह और इस पे जितनी भी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ये दुआ ग्रीन करवा के दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप शौकीनों ने अपना माल लाना है और अपना भाई फार्मिंग स्टार्ट कर देनी है, तो मैं समझता हूँ गडाब में इससे बेहतरीन सारे मामला आप शौकीनों को दिखाए जाएं। भाईजान वीडियो बंद करे यार, अल्लाह खैर करे, वीडियो में क्यों बंद करूं यार? भाईजान वीडियो बनाना अलाउ नहीं है आप यार, कुछ के बना रहे हो यार? मैं मलिक इमरान भाई की परमिशन से वीडियो बना रहा हूं यार। चलो ठीक है। ये देखिए शौकीनों मैं व्लॉग बना रहा था और सिक्योरिटी माशाल्लाह इतनी टाइट है दुआ ग्रीन की कि भाई मुझे भी पकड़ लिया इन लोगों ने यार, हालांकि मेरे हाथ में वेपन नहीं मोबाइल था, तो आप शौकीन अंदाजा लगा लें कि भाई किस तरीके की यहाँ पर सिक्योरिटी टाइट है। और भाई सिक्योरिटी के अहलकार 24 घंटे भाई अपनी जिम्मेदारी सर अंजाम दे रहे, तो शौकीनों जानवर तो दूर की बात है, यहाँ से तो सुई भी गायब नहीं हो सकती। अच्छा फहीम भाई ये क्या, अभी तक तो आप मुझे फार्म हाउसेस विजिट करवा रहे थे, कैटल फार्म विजिट करवा रहे थे, ये क्या यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बंगले शंगले बन रहे, ये क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी में कहाँ से लेकर आ गए दुआ ग्रीन के अंदर? सर ये भी एक दुआ ग्रीन का गोल्ड ब्लॉक है जो कि फॉर्म 7 के ऊपर है, और यहाँ भी आप देख रहे हैं 50 फीट का ये रोड जा रहा है, 50 फीट का ये वाला रोड जा रहा है, और ये भी कैटल फार्म और फार्म हाउसेस के ऊपर है। नहीं करें यार, मैं जहाँ भी जाता हूँ ऑफर तो भाई लाजमी लेकर आता हूँ शौकीनों के लिए, तो इतनी बड़ा आप माशाल्लाह प्रोजेक्ट लॉन्च कर रहे हैं, कुछ ऑफर शॉफर तो दें। बम्पर ऑफर है कि आज के दिन की बुकिंग एक हफ्ते तक हम जो है 20% इजाजी डिस्काउंट देने जा रहे हैं। नहीं करें यार, 20% ऑफ जी बिल्कुल इजाजी डिस्काउंट है कि हमारे आने ओल्ड क्लाइंट न्यू क्लाइंट सबके लिए। और ये कितने टाइम पीरियड तक है ये ऑफर? एक हफ्ते तक इंशाल्लाह। ये तो नहीं आज मैं देखूं वीडियो अपलोड हो रही है 2 दिन बाद ऑफर ही खत्म हुई हुई है? पूरा इंशाल्लाह एक हफ्ते तक ये ऑफर है हमारी, बम्पर ऑफर है, 20% इजाजी डिस्काउंट है। क्या बात है भाई, एंड हो गया शौकीनों भाई, 20% ऑफ चल रहा है इस टाइम पे एक वीक के लिए भाई ये ऑफर है। अस्सलाम वालेकुम शौकीनों, एक और नई वीडियो के साथ स्वाती हाजिर है। तो शौकीनों आज का व्लॉग इंतहाई स्पेशल व्लॉग होने वाला है उन शौकीनों के लिए जो भाई अपना कैटल फार्म का बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, कहीं दूसरी जगह पे भाई कैटल फार्म का बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं। काफी शौकीनों की रिक्वेस्ट आ रही थी सवाती भाई कोई ऐसी जगह रिकमेंड करें। अच्छा भाई स्टार्ट में बता दूं आज मैं मौजूद हूं गडाब के अंदर, और गडाब इस टाइम पे कैटल फार्मिंग के हवाले से सबसे ज्यादा वायरल चल रहा है। उसकी वजह ये, जब से एशिया की सबसे बड़ी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे शिफ्ट हुई है तो हर कैटल फार्मर का जो ख्वाब है वो चाहता है कि यार मेरा कैटल फार्म किसी आसपास सोसाइटी में हो। आज मैं मौजूद हूं भाई गडाब के, मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर तरक्याती काम तेजी से जारी है, आज मैं मौजूद हूं गडाब के एक ऐसे प्रोजेक्ट के ऊपर जहां तरक्याती काम बिल्कुल मुकम्मल हो चुका है, तो इंशाल्लाह ताला भाई सारा विजिट करवाऊंगा आप लोगों को, और इंशाल्लाह ताला व्लॉग आप लोगों ने पूरा लास्ट तक देखना है क्योंकि इस व्लॉग के बाद आपकी जो कैटल फार्मिंग का जो ख्वाब है वो इंशाल्लाह ताला पूरा हो जाएगा। मैं भाई गेट 1 से एंटर हुआ और इंशाल्लाह ताला बिल्कुल आखिर तक भाई सारा विजिट करवाऊंगा ताकि आप शौकीनों को पता चले कि, क्योंकि लोग क्या करते हैं भाई जब अपने प्रोजेक्ट विजिट करवाते हैं तो भाई ऐसी ऐसी बस जगहों पे विजिट करवा देते हैं जहां पर प्रोजेक्ट भाई डेवलप्ड होता है, जहां अंडर डेवलपमेंट का काम चल रहा होता है वो छुपा देते हैं। तो स्टार्ट से इंशाल्लाह ताला भाई मैंने व्लॉग स्टार्ट कर दिया है, तो भाई पूरा भाई आप लोगों ने व्लॉग लास्ट तक देखना है भाई। इसी तरीके से माशाल्लाह दुआ ग्रीन के रिप्रेजेंटेटिव हमारे सामने मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है आप? आप कैसे हैं सवादी भाई? खैरियत है? मैं भी ठीक ठाक। सबसे पहले तो ये बताएं आप लोग इतना बड़ा दावा करते हैं कि दुआ ग्रीन गड्ढा आपका वाहिद प्रोजेक्ट है जिसमें तरक्याती काम अभी तेजी से जारी नहीं, जारी मतलब खत्म हो चुका है, तो फिर मुझे कहाँ कहाँ विजिट करवाएंगे, क्या क्या थोड़ा आगे का क्या प्लान है? सर पहले तो मैं आपको तरक्याती काम जैसे चल रहा है दूसरे दिखाते हैं, मैं आपको यहाँ पे पूरे कैटल फार्म बने हुए फार्म हाउसेस बने हुए कैटेगरी वाइज दिखाऊंगा, ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है, सफारी रिजॉर्ट है, गोल्डन ब्लॉक है, और आज वो ब्लॉक भी दिखाऊंगा जिसके यहाँ पे ये जो माहौल बना हुआ है किस वजह से बना हुआ है, तो वो वाला भी दिखाऊंगा। पहले आपको चलते हैं ब्लॉक्स कैटेगरीज दिखाते हैं, उसके बाद आपके फार्म हाउसेस का विजिट। क्या बात है भाई, फहीम भाई ये आप मुझे कौन से ब्लॉक में लेकर आ गए इस टाइम पे? सर मैंने जैसे आपको बताई हमारा है गोल्डन ब्लॉक जो कि हमारी दुआ ग्रीन सोसाइटी जो उसका क्रीम ब्लॉक है ये तकरीबन आपका। अच्छा ये बताएं दुआ ग्रीन कितने ब्लॉक्स के अंदर डिवाइडेड है पहले तो ये बताएं। सर हमारे जो अभी दुआ ग्रीन में 5 ब्लॉक्स तकरीबन 90-95% सोल्ड हो गए, हमारी जो आजकल जो प्री लॉन्चिंग है जो कि है अभी मैं जो आपको दिखाने वाला हूँ 6 ब्लॉक हमारे पूरे टोटल हैं। क्या बात है, बेहतरीन हो गया माशाल्लाह। अगर मैं ये कहूँ कि गडाब के अंदर सबसे तेजी से बिकने वाला जो माशाल्लाह लैंड है वो इस टाइम दुआ ग्रीन के कैटल फार्मर भाई जिस तरीके से माशाल्लाह यहाँ पर अपना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं, तो इस टाइम पे गोल्डन ब्लॉक में
कितने जो फार्म्स हैं वो इस टाइम पे रेंट के ऊपर हैं या कितने फार्म्स की जो लैंड इस टाइम पे खाली है? सवाती भाई ना रेंट पे ना खाली है, सारे सोल्ड हैं और सारे डेवलप हैं। है? जैसे मेरे पीछे देख रहे हैं आप भोलू कैटल, उसी के बराबर में राणा कैटल, उसी के बराबर में सुफियान कैटल। ये छोटे मोटे कैटल नहीं है, ये बड़े बड़े कैटल है मेरे भाई। और क्रीम का मैंने क्रीम ब्लॉक क्यों बोला है, क्योंकि यहाँ पे हमारे बैठे हुए सारे बड़े कैटल वाले, और यहाँ पे जैसे कंस्ट्रक्शन चल रही है तो पूरी डेवलपमेंट प्रॉपर हुई। क्या बात है मोगिनो भाई, फहीम भाई एक नए ब्लॉक में लेकर आ गए। फहीम भाई ये आप मुझे कौन से ब्लॉक में लेकर आ गए? सवाती भाई जैसे मैंने बताया था ये हमारा सफारी रिजॉर्ट। सही, मतलब जैसे कि गोल्डन ब्लॉक में तो ऑलमोस्ट कारोबारी हजरात ने अपना कारोबार शुरू कर दिया। यहाँ मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह से, यहाँ भी दूर दूर तक, जहां जहां तक भाई मेरी नजर जा रही है दूर दूर तक भाई कैटल फार्म ही नजर आ रहे हैं। तो कुछ शौकीनों के लिए, कारोबारी हजरात के लिए यहाँ पर भी जगह अवेलेबल है या सोल्ड है? सवाती भाई ऐसे ही समझ लें कि जैसे हमारा गोल्डन ब्लॉक था तो ये हमारा सफारी, यहाँ भी शौकीनों के लिए कोई जगह नहीं। अरे फहीम भाई ये तो गलत बात है, फिर मेरे आने का फायदा क्या हुआ? इतना डेवलप प्रोजेक्ट है तो बेचारे जिन जो थोड़ा लेट हो गए, बस वो थोड़ा लेट हो गए ना, गलती हो गई। ये तो गलती के इतना बड़ा तो जुर्माना ना, तो उनके लिए लैंड ही अवेलेबल नहीं है। नहीं नहीं सवाती भाई नाराज होने की जरूरत नहीं है, इसी के अपोजिट जिस वजह से मैंने आपको यहाँ पे बुलाया, सर्वे लैंड प्रोजेक्ट की जो लॉन्चिंग है वो दिखाते हैं शौकीनों के लिए, फार्म हाउसेस की पूरी एक सोसाइटी बनने वाली है, आए चले उसका विजिट करवाते चले भाई। मैंने कहा भाई सारी जगह सोल्ड हो गई हैं तो फिर मेरे आने का क्या फायदा? तो भाई अभी कुछ ये नई जगह पे लेके जा रहे हैं तो वो जगह पे चलते हैं और आप शौकीनों को दिखाते हैं। क्या फहीम भाई एक आप मुझे नए ब्लॉक में लेकर आ गए, और नए ब्लॉक भी मैं देख रहा हूँ ऑलमोस्ट ये भी भाई माशाल्लाह से सारा लैंड ऑक्युपाइड है, ये भी सारे माशाल्लाह फार्म्स बने हुए। शौकीनों के लिए तो मुझे लग रहा है यहाँ कुछ भी नहीं है, कहाँ मतलब फार्म्स खोलें। दुआ ग्रीन में देख के मेरा तो दिल चाह रहा है मैं अपना फार्म खोल लूँ, लेकिन यहाँ तो मुझे लैंड ही नहीं नजर आ रहा। सवाती भाई जिस चीज का इंतजार था वो चीज आ चुकी है, हम उस जमीन पे खड़े हुए जो चीज आप इतने टाइम से मेरे से सवाल कर रहे थे कि शौकीनों के लिए क्या चीज दिखानी, तो आप ही के सामने देख लें ये जमीन है शौकीनों के लिए। चले भाई शौकीनों के लिए भाई दुआ ग्रीन में एक भाई नया प्रोजेक्ट भाई लॉन्च हो गया माशाल्लाह से, आप लोग देख रहे होंगे दूर दूर तक भाई जहां मेरी नजरें जा रही हैं, और ये तकरीबन प्रोजेक्ट दुआ ग्रीन के प्रीवियस प्रोजेक्ट की कामयाबी के बाद, क्योंकि शौकीनों की कारोबारी हजरात की इतनी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी दुआ ग्रीन पे जिस तरीके से ट्रस्ट हुआ है, तो भाई इनको ये बहुत टाइम से पहले ही एक प्रोजेक्ट भाई लॉन्च कर दिया इन्होंने। और ये किस नाम से प्रोजेक्ट आपने लॉन्च किया है? सवाती भाई कोई प्रोजेक्ट का नाम नहीं है, सिर्फ एक ही नाम है, सर्वे लैंड प्रोजेक्ट। सर्वे लैंड प्रोजेक्ट के नाम से भाई अल्हम्दुलिल्लाह दुआ ग्रीन ने अपने प्रोजेक्ट का आगाज कर दिया है। और मजे की बात बताऊं शौकीनों, ये जो आप लैंड देख रहे हैं शायद आप समझ रहे होंगे, शायद जो मैं गेट से एंटर हुआ था ये किसी और जगह पे आ गया हूं। नहीं शौकीनों, ये उसी गेट के अंदर बाउंड्री वॉल के अंदर ये सारा माशाल्लाह से भाई लैंड अवेलेबल है। और कितने गज के प्लॉट्स हैं, रेंट्स पे भी हैं या किस तरीके से थोड़ा बताएं? सवाती भाई यहाँ पर भी जैसे हमारी गोल्डन ब्लॉक था, यहाँ पे भी ऐसा है कि 2000 की कटिंग है, 2000 से ज्यादा हो सकता है, 2000 से कम नहीं हो सकता। सही, और मतलब जो रेंट पे लेना चाहते हैं तो उनके लिए रेंट पे भी फार्म्स अवेलेबल हैं या सिर्फ और सिर्फ आप वो कर सकते हैं, परचेज ही कर सकते हैं लैंड को? नहीं सवाती भाई सारी ऑफर्स हैं, हम जो लोग शौकीन खरीदना चाहते हैं तो उनको हम जमीन दे भी रहे हैं, जो शौकीन चाहते हैं कि हमें कंस्ट्रक्ट करके दें, फार्म बना कर दें, तो हमारे पास वो भी सहूलत मौजूद है, और जो शौकीन चाहते हैं कि रेंट पर, तो वो भी फैसिलिटीज हमारे पास हैं। मतलब अगर किसी शौकीन चाहते हैं वो दुआ ग्रीन में अपना कैटल फार्म खोले और वो कहते हैं कि यार अभी मैं रेंट पे लेना चाहता हूँ, तो अगर वो रेंट पे लेगा तो जो कंस्ट्रक्शन होगी वो दुआ ग्रीन करके देगा? बिल्कुल सवाती भाई ऐसा ही है। नहीं करें यार, बिल्कुल ओए बेहतरीन हो गया शौकीनों भाई, अब तो मैं समझ रहा हूँ आपकी इस ऑफर के बाद मैं तो अपना कैटल फार्म की जमीन आज ही यहाँ परचेज कर लेता हूँ, क्योंकि जिस तरीके से आपके प्रीवियस प्रोजेक्ट में माशाल्लाह लोगों ने लूटा मारी लगाई हुई है, दिन ब दिन तेजी से सारा माशाल्लाह भाई लैंड हमारे कैटल फार्मर हजरात खरीद रहे हैं, मेरा फार्म एक आप अभी से बुक कर लें इंशाल्लाह इंशाल्लाह। अब क्या दिखा रहे हैं हमारे शौकीनों को? भाई आपका तो माशाल्लाह से भाई मैंने लैंड भी देखा, सब चीजों से मैं बहुत ज्यादा मुतमईन हूँ, कारपेटेड रोड है यहाँ पर, सिक्योरिटी के बहुत ही बेहतरीन इंतजाम आते हैं। आप कोई अगर रेंट पे लेना चाहता है तो आप उसको भाई अपना कैटल फार्म बना के भी दे रहे हैं, मैं समझता हूँ इतनी ज्यादा तो आप ऑफरें दे रहे हैं, दुआ ग्रीन का इतना बड़ा नाम है, मैं तो कहीं भी जाता हूँ अपने शौकीनों के लिए ऑफर लेकर आता हूँ, ऑफर लिए बगैर मैं नहीं जाऊंगा इस दुआ ग्रीन से, कोई ना कोई मुझे ऑफर चाहिए उन फार्मर हजरात के लिए जो अपना कारोबार अपना कैटल फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं। सवाती भाई परेशान होने की जरूरत नहीं है ना आपके शौकीनों को,
बहुत ही ज़बरदस्त एक बम्पर ऑफर है जो कि मेरे बड़े भाई है मलिक कामरान साहब, वो आपको एक डिटेल ऑफर बताएंगे कि हम शौकीनों को क्या देने वाले हैं। मतलब आप एक बहुत बड़ी ऑफर देने जा रहे हैं। जी सवाती भाई ऐसा ही है। क्या बात है, जितना बड़ा नाम है शौकीनों वैसे ही उसके काम है दिल जीतने वाली। इंशाल्लाह ताला कुछ ऑफर आने वाली है वो मलिक इमरान साहब इंशाल्लाह ताला आप शौकीनों को बताएंगे। इन भाई आप मुझे ब्लॉग पे ब्लॉग विजिट करवाए जा रहे हैं, सबसे पहले ये बताएं जब भी मैं देखता हूँ भाई कोई प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहा है तो दावे तो भाई हर कोई बहुत बड़े बड़े करता है, ऐसे कर देंगे बम्पर ऑफर दे देंगे फलाना हो जाएगा ढिमकाना हो जाएगा, लेकिन जो यहाँ पर कारोबार अपने स्टार्ट कर चुके हैं तो मैं चाह रहा हूँ उनके भी तो आप रिव्यूज नोट डाउन करवाएं। वो क्या नोट डाउन करवाएंगे आप? सवाती भाई ये भी आपका जवाब देते हैं, आपके चैनल पे एक जाना पहचाना नाम है काप गोट फार्म, बिल्कुल ऐसा ही ओनर है अली भाई, तो उन्हीं की जुबान ही सुनते हैं कि यहाँ कैसे आए, क्या फैसिलिटीज मिली, आगे का फ्यूचर प्लान्स क्या है। चलें चलें भाई। फाइन भाई ने कहा कि भाई चलते हैं थोड़ा भाई उनके पास काप गोल्ड फार्म के भाई फार्म के ऊपर और अली भाई से भाई रिव्यूज लेते हैं। और अली भाई जैसा कि भाई मेरे सामने इस टाइम मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई, क्या हाल है, ठीक ठाक है? वालेकुम अस्सलाम, आप बताएं कैसे अचानक आज? बस आज दुआ ग्रीन पे मैंने छापा मारा है क्योंकि बड़ी इनकी वीडियोस आ रही होती हैं, फलानी बम्पर ऑफर दे रहे हैं, फलाना लैंड दे रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हैं, सिक्योरिटी दे रहे हैं, हर चीज दे रहे हैं, तो मैंने कहा यार अली भाई तो काफी टाइम से तकरीबन 20 साल हो गया इनको अली भाई, ऑलमोस्ट हमें 11 महीने इधर अल्हम्दुलिल्लाह हो चुके हैं। और आपके सामने जिस बंदे ने अगर तकलीफ होती है तो वो पहले महीने में ही भाग जाता है, यहाँ तो मेरा इंशाल्लाह ताला फ्यूचर प्लान बहुत आगे काम करने का है और अल्लाह के हुक्म से यहाँ पे 1000 गज पे आए थे, 3500 गज पे मूव होने वाले हैं। तो भाई दुआ ग्रीन के हवाले से तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सेटिस्फाइड है, सिक्योरिटी फैसिलिटीज अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे साथ ऐसे खड़े हैं जैसे कोई सगा भाई अपने भाई के साथ कंधा मिला के खड़ा होता है, बेहतरीन। तो ये दुआ ग्रीन ने जब आपने फॉर्म लिया बड़े बड़े आपके साथ दावे जो किए थे इन्होंने उस दावों पे कमिटमेंट पे पूरा उतरे हैं ये? जैसे काप गोट एंड कैटल फार्म कहता है ना कि वादा वो जो पूरा किया जाए, तो दुआ ग्रीन का भी ऐसा ही है भाई, बात वो करते हैं जो पूरी करते हैं। और यहाँ पे इन्होंने आज जैसा कि आपने मेरा ख्याल आपको फहीम ने बताया या नहीं बताया, मैंने तो अपना फार्म पीछे बुक करवा लिया मेरे भाई, क्या हो गया अली भाई, न्यू वैली साइड में मैंने अपना फार्म बुक करा लिया इनका जो है वो विजिट कर लिया है भाई, माशाल्लाह बड़ी बेहतरीन जो है ना आज इनकी होने वाली है, ओपनिंग है, बहुत प्री लॉन्चिंग होने वाली है माशाल्लाह बहुत बेहतरीन। और अल्लाह के हुक्म से भाई आप लोग आए बहुत बेहतरीन ऑफर। तो अली भाई जो नए कारोबारी हजरात है जो हमारे कैटल फार्म हजरात हैं जो अपना कैटल फार्म खोलना चाहते हैं तो दुआ ग्रीन रिकमेंड करते हैं या आप नहीं करते? भाई मैं ये कह रहा हूँ कि मौका हाथ से ना निकलने दें, पहले आए पहले पाए वाली है, अल्हम्दुलिल्लाह इनके जो तकरीबन 3-4 ब्लॉक्स हैं टोटली सोल्ड हो गए। देखिए कहने का मकसद है बंदा जब भी आगे बढ़ता है जब चीज़ें सेल होती जाती हैं, तो हम भी जैसे अगर मिसाल के तौर पे माल बिकता है पुराना तो नया माल खरीदते हैं, जब एक बंदा नए प्रोजेक्ट की लॉन्चिंग कर रहा है तो जाहिर सी बात है प्रीवियस जो प्रोजेक्ट है वो सेल हो चुके हैं। सही। तो भाई कहने का मकसद है आएं और यहाँ पे अपनी फाइल्स बुक कराएं, अपने प्लॉट बुक कराएं और अपने कारोबार का एक बेहतरीन तरीके चले भाई। अली भाई जीती जागती मिसाल है इस टाइम पे दुआ ग्रीन के अंदर माशाल्लाह से जिस तरीके से इन्होंने तरक्की की है, तो आप शौकीनों ने भाई इनका पूरा एक हिस्ट्री जानते होंगे, तो भाई दुआ ग्रीन इनको राज आ चुका है और जो कमिटमेंट की दुआ ग्रीन वालों ने अली भाई से वो पूरी की। अच्छा फहीम भाई ये क्या, अभी तक तो आप मुझे फार्म हाउसेज विजिट करवा रहे थे, कैटल फार्म विजिट करवा रहे थे, ये क्या यहाँ तो मैं देख रहा हूँ बंगले शंगले बन रहे, ये क्या कोई हाउसिंग सोसाइटी में कहाँ से लेकर आ गए दुआ ग्रीन के अंदर? सर ये भी एक दुआ ग्रीन्स का गोल्ड ब्लॉक है जो कि फॉर्म 7 के ऊपर है और यहाँ भी आप देख रहे हैं 50 फीट का ये रोड जा रहा है, 50 फीट का ये वाला रोड जा रहा है और ये भी कैटल फार्म और फार्म हाउसेस के ऊपर है। नहीं करें यार, बिल्कुल क्या बात है, मैं तो समझता हूँ शौकीनों कराची के अंदर इतनी डेवलप रोड तो भाई हमारे शहर के नहीं है और ये माशाल्लाह जहाँ आपके कैटल फार्म्स बनेंगे उसके सामने कैसे कारपेटेड रोड है, और ये तो समझे कितने फिट के हैं ये रोड सारे, 50 फीट के सवाती भाई, 50 फीट के रोड है शौकीनों, ये अंदाजा लगा लें, सामने बंगले शंगले भी बन रहे हैं, तो आप लोग देख लें कि किस किस्म का यहाँ पर काम हो रहा है, ना कि कैटल फार्मर बल्कि जो फार्म हाउसेस वाले उनके लिए भी ये व्लॉग बड़ा स्पेशल होगा। बिल्कुल सवाती भाई ऐसा ही है, ये सिर्फ क्लाइंट्स जो हमारे ये उनके एतमाद के ऊपर है, जो हम बोलते हैं कमिटमेंट करते हैं वो वक्त से पहले हो जाती है, तो ये सारी चीजें हो जाती है। क्या बात है, बेहतरीन हो गया। वहीम भाई आपके ब्लॉग को विजिट कर करके मैं तो थक गया हूँ, हालांकि कच्चे रोड नहीं है पक्के रोड पे चल चल के मैं थक गया हूँ, इसका मतलब गडाप का दुआ ग्रीन सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है इसमें कोई शक नहीं है। अब बात आती है बड़े होने के साथ साथ असली और नस्ली बात, कीमतें क्या है इस दुआ ग्रीन के अंदर अगर कोई अपना कारोबार स्टार्ट करना चाहता है जगहों की रेंट की? जैसे सवाती भाई आपने पहले सवाल करा था बम्पर ऑफर का, तो मैं भी ये बताऊंगा कि बम्पर ऑफर, रेंट, सेल, परचेज,
मेरे बड़े भाई हैं मलिक कामरान साहब, तो पूरी डिटेल बताएंगे शौकीनों के लिए। चलें भाई फिर चलते हैं मलिक कामरान भाई के पास और सारी डिटेल्स लेते हैं। ये क्या, ये तो मैं देख रहा हूँ आप किसी फार्म के अंदर लेकर आ गए और जहाँ पर मैं देख रहा हूँ डेवलपमेंट का काम चल रहा है, ये क्या सिलसिला है? सवाति भाई एक कंफ्यूजन हो रही थी, मैं कब से बता रहा था कि हम ये फैसिलिटीज दे रहे हैं, रेंट पे दे रहे हैं। तो सवाति भाई आप शौकीनों के लिए, ये है कि ये हमारे एक कस्टमर हैं बहुत अच्छे, तो उनको हम ये रेंट पे दे रहे हैं। जो भाई रेंट पे लेना चाहते हैं, 3,500 गज का फार्म है जो कि प्री कास्ट पे नहीं, गार्डर पे नहीं, 8 CC का फार्म बन रहा है आपके सामने। ये सब ये दुआ ग्रीन्स की टीम करके दे रही है रेंट पे। मतलब ये जो कंस्ट्रक्शन जितनी भी चल रही है, मैं देख रहा हूँ माशाल्लाह भारी मशीनें लगी हुई हैं यहाँ पर और सारा पक्का काम हो रहा है माशाल्लाह। ऐसे कमरे तो शहर में नहीं है, लोगों की हाउसिंग सोसाइटीज में नहीं है। आप फार्मर को इतनी सारी चीजें करके दे रहे हैं और कोई चार्ज नहीं कर रहे इसके? सर ये सवाति भाई शौकीनों का प्यार है। भाई ये आप लोग देख लें कि भाई फहीम भाई ने भाई सारा दूध का दूध पानी का पानी कर दिया कि भाई जो लोग अपना कैटल फार्म खोलना चाहते हैं और वो चाहते हैं कि हम दुआ ग्रीन पे रेंट पे फार्म लें, तो भाई ये देखें ये 3,000 गज के ऊपर जगह और इस पे जितनी भी सारी कंस्ट्रक्शन हो रही है ये दुआ ग्रीन करवा के दे रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ आप शौकीनों ने अपना माल लाना है और अपना भाई फार्मिंग स्टार्ट कर देनी है। तो मैं समझता हूँ गडाब में इससे बेहतरीन जगह मैं नहीं समझता फहीम भाई फिर है किसी के पास, ऐसा ही है। बिल्कुल सवाति भाई आपके सामने ही है। बिल्कुल भाई ऐसा ही है क्योंकि भाई सारी चीजें विजिट करवा रहा हूँ आप शौकीनों को और इंशाल्लाह ताला मजीद डिटेल भी लेता हूँ। फहीम भाई सारा प्रोजेक्ट आपने भाई मुझे विजिट करवा दिया। जो असली और नस्ली शौकीन है वो असली और नस्ली बात का काफी देर से इंतजार कर रहे हैं, प्रोजेक्ट भी देख लिया। आप कब से कह रहे हैं कि मलिक कामरान साहब भाई आपको सारी चीज डिटेल के अंदर गाइड करेंगे, तो मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, तो जल्दी से आप मुझे लेके चले कि मलिक कामरान साहब कहाँ बैठे हुए। चले सवाति भाई परेशानी की बात खत्म हुई, अब आपको लेके चलते हैं मलिक कामरान भाई के पास। चले शौकीनों भाई अब भाई चलते हैं मलिक कामरान साहब के पास। भाई काफी देर से मैं भी इंतजार कर रहा था प्रोजेक्ट देख के, तो मेरा भी दिल में वो कहते हैं ना मुंह में पानी आ गया। अब चलते हैं भाई रेट्स के हवाले से जो असली और नस्ली बात है, जरा भाई चलते हैं भाई, जरा ऑफिस के अंदर बैठे हुए भाई मलिक कामरान साहब, जरा चल के आप शौकीनों को भाई सारा गाइड करूंगा कि भाई किस तरीके से कौन सा इनके पास ऐसा मंत्र है कि भाई इतनी तेजी से गडाब के अंदर सारे प्रोजेक्ट माशाल्लाह से। अस्सलाम वालेकुम मलिक कामरान साहब, कैसे हैं, ठीक ठाक हैं आप? मैं भी ठीक ठाक। मलिक कामरान साहब आप तो इतने छक्के मार रहे हैं गडाब के अंदर बैठे हुए, इतने तो वर्ल्ड कप में पाकिस्तानी टीम ने नहीं मारे, इतने कम वक्त में गडाब में इतनी माशाल्लाह डेवलपमेंट, आप तो छुपे रुस्तम निकले। असल ये सारी कोशिश जो है क्या नाम है दुआ ग्रीन्स की है और उसके साथ साथ सपोर्ट जो हमारे क्लाइंट्स माशाल्लाह साहब अच्छे हैं, कोऑपरेटिव है और उसकी वजह से इतनी डेवलपमेंट और पूरे गडाब में अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा दुआ ग्रीन्स जैसा प्रोजेक्ट कोई किसी के पास नहीं। बेहतरीन हो गया पूरे गडाब में, क्या मैं समझता हूँ पूरे कराची में कैटल फार्मर्स के लिए इतना बेहतरीन प्रोजेक्ट और इतनी बेहतरीन अपॉर्चुनिटी मैंने नहीं देखी। अच्छा सारा प्रोजेक्ट भी विजिट कर लिया हमने, सारा शौकीनों को गाइड भी कर लिया, अब असली और नस्ली बात पे आते हैं। तो मलिक साहब जरा ये तो बताएं आपका प्रोजेक्ट तो बड़ा डेवलप्ड है, मुझे लगता है यहाँ के रेंट भी बहुत ज्यादा होंगे, यहाँ के तो बड़े महंगी महंगी कीमतें होंगी। नहीं रेंट के हवाले से देखा जाए तो इतना नहीं है, यहाँ पे इस टाइम पे 1,000 गज का जो प्लॉट है अगर रेंट आउट किया जाए तो 30,000-35,000, ऐसा नहीं है कि क्या नाम है डेवलपमेंट की वजह से इसको क्या नाम है रेंट को भी इतना हाई लेवल पे ले जाएं कि लोग अफोर्ड ही ना कर सकें और प्लॉट्स की कीमत को भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरे गडाब में। हाँ ये ज़रूर है कि गडाब में जो लोग जो चीज़ें जो बेच रहे हैं उससे बनिस्बत जो है महंगा ज़रूर है, उसकी वजह ये है कि पेपर वर्क ओरिजिनल है। अच्छा पेपर वर्क की बात आई, मैं इसी बात पे आ रहा था मलिक साहब के, जब से मंडी एशिया की सबसे बड़ी मंडी नॉर्दर्न बाईपास पे शिफ्ट हुई है तो काफ़ी कैटल फार्मर्स का जो रुझान है वो गडाब की तरफ काफ़ी बढ़ गया है, लेकिन एक सवाल सबके जहनों में यार कि अगर हम अपनी यहाँ इन्वेस्टमेंट करें तो ये ना मेरा हमारे साथ फ्रॉड ना हो जाए, क्योंकि वो कहते हैं ना ऐसे काम में फ्रॉड ये लोग काफ़ी आ जाते हैं, तो दुआ ग्रीन पे लोग क्यों ट्रस्ट करें? उसकी वजह ये देखिए दुआ ग्रीन सबने पूरे पेपर वर्क पे काम कर रहे हैं, बेशक गोठाबाद हो फॉर्म 7 हो, अब जैसे कि आज हम एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं ग्रीन वैली, वो प्रॉपर सर्वे लैंड है जो कि पूरे गडाब में अभी तक ना फार्म हाउसेज की लैंड में ना कोई ऐसी जदीद सहूलियात जो हम देने जा रहे हैं जिसमें वाटर है, पानी है, बिजली है, वेल कारपेटेड रोड है और 24/7 सिक्योरिटी है। अगर हम गोठाबाद में भी हमारे इस टाइम ब्लॉक्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह, वो भी ऐसा नहीं है कि गोट कहीं पे और बेच हम कहीं रहे। सही, तो इस चीज की तो शौकीनों ने मतलब आग बंद कर पे दुआ ग्रीन पे भरोसा कर लेना है कि यहाँ फ्रॉड नहीं हो रहा इंशाल्लाह ताला, क्योंकि बात ये है कि हम उनके पेमेंट प्लॉट हर चीज के जिम्मेदार हैं अल्हम्दुलिल्लाह। चले बहुत बड़ी बात है भाई, बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब। तो भाई ये मैं समझता हूँ कि गडाब के अंदर अब जो शौकीन के भाई काफी सवाल आते तो आज इंशाल्लाह ताला भाई वो सारे सवाल आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। तो भाई अब आप शौकीनों ने क्या करना है,
दुआ ग्रीन आना है जल्द से जल्द भाई अपना प्लॉट यहाँ पर, वो कहते हैं ना एक तरीके से शौकीनों परचेज कर रहे ना, क्योंकि जिस तरीके से माशाल्लाह यहाँ परचेजिंग चल रही है, और आज आपके एक नए प्रोजेक्ट का भी आगाज होने जा रहा है। ग्रीन वैली है जो सर्वे लैंड के ऊपर है फार्म हाउसेस के लिए। सही, वो भाई आप शौकीनों ने शुरू में देख भी लिया, तो बहुत बहुत शुक्रिया मलिक साहब, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, सवादी को इजाजत, अल्लाह हाफिज़।